हेलो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सबका मित्रा कंपनी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्प्रेयर के बारे में आपको जानकारी दी है, तो आज हम बात करेंगे एरोटेक टर्बो 600 लीटर की। ये जो एरोटेक स्प्रेयर है हमारे पास, ये 400 लीटर, 600 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर और 2000 लीटर में अवेलेबल है। और यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि ये हमने जो स्ट्रक्चर दिया है, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये हमारे ग्रेप्स वाले प्लॉट में चलता है। उसके बाद इसमें अगर आपने हैंडगन लगा दिए चार एक्स्ट्रा, तो ये आपके जो एलईडी वाले मैंगो रहेंगे, ऑरेंज रहेंगे, उसमें ये चल जाएंगे सारे प्रोडक्ट। उसके बाद अगर इसमें आपका लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये स्पेशली आपके पास जो अनार की खेती रहेगी, तो अनार की खेती में आपका चल जाएगा। तो चलो अभी हम इस मशीन की खासियत क्या है और इसके में कौन कौन से पार्ट दिए हैं, ये हम देखेंगे। जो हमारे एरोटेक वाले सारे मॉडल है वो 540 RPM में वर्क करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये वाइड एंगल PTO शाफ्ट दिया है। तो ये वाइड एंगल PTO शाफ्ट का यूज़ क्या होता है कि आपको एक रो में से दूसरे रो में टर्न करना है और आपका जो है PTO एंगेज है, तो आप विदाउट PTO को बंद किए हुए या फिर डिसएंगेज किए हुए एक रो से दूसरे रो में आराम से टर्न कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे देख रहे हो, ये हमारा 3-axis टो बार है। इसमें दो टाइप के टो बार्स होते हैं, ये दिख रहा है ये 3-axis टो बार है, और जो बड़े वाले स्प्रेयर होते हैं उसमें हमारा स्ट्रेट टो बार आता है। तो ये 3-axis टो बार जहाँ पर आपकी टर्निंग रेडियस कम है, मतलब आपने टर्निंग के लिए जगह कम छोड़ी है, तो वहाँ पे ये हमारा 3-axis टो बार यूज़ हो जाता है। मतलब ये कम से कम जितनी टर्निंग रेडियस होगी उसमें आपका ये टर्न कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये रबर कपलिंग दी है, ठीक है। तो जो हमारे 400 या 600 लीटर वाले स्प्रेयर है उसमें हमने रबर कपलिंग दी है, और 600 लीटर के ऊपर वाले जितने भी हमारे मॉडल है उसमें हमने चेन कपलिंग दी है। ये दोनों का फंक्शन क्या होता है कि जो ट्रैक्टर की तरफ से जो भी आपके शॉक्स या जर्क्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये रबर कपलिंग या चेन कपलिंग करती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेन असेंबली है, जैसे पंप हो गया या फिर आपका गेयरबॉक्स हो गया, ये शॉक फ्री रहने में रबर कपलिंग और चेन कपलिंग आपकी मदद करती है। इस स्प्रेयर में हमने 75 LPM का डायफ्राम पंप दिया है। तो डायफ्राम पंप ही क्यों दिया है हमने, क्योंकि ये जो डायफ्राम पंप होता है ये कंटिन्यूस फ्लो जो होता है ये सारे नोज़ल को देता है, ताकि आपका जो नोज़ल है वो कंटिन्यूस पानी दे सके और पल्सेशन कम हो पाए। उसके बाद इस पंप में आपका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम निकलता है, इसलिए हमने इसमें 75 LPM का डायफ्राम पंप दिया है। हमने सारे मॉडल में पंप के सेफ्टी के लिए प्रेशर सेफ्टी रिलीफ वॉल लगाया है। इसका फंक्शन क्या होता है कि गलती से अगर आपका प्रेशर जो है वो 40 बार के ऊपर चला जाता है, तो ये प्रेशर सेफ्टी रिलीफ वॉल जो है ये ओपन हो जाता है, ताकि आपका जो पंप है उसकी लाइफ ज़्यादा रहे और पंप में कुछ डैमेज ना हो पाए, इसलिए ये सेफ्टी रिलीफ वॉल हमने यहाँ पे लगवाया है। हमने एरोटेक सीरीज़ में सारे मॉडल में HDPE टैंक दिए। HDPE मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनी हुई टैंक। हमने HDPE मटेरियल से बनी हुई टैंक क्यों दिए, ताकि जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर रहेंगे, जैसे इसमें धूप, बारिश या कुछ भी हो जाए, तो इसके ऊपर टैंक के ऊपर कुछ भी इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने HDPE मटेरियल की दी है। उसके बाद आप जो भी इसमें केमिकल डालोगे उसकी जो केमिकल रिएक्शन है ये टैंक के साथ नहीं होगी, और आपका जो केमिकल रहेगा ओरिजिन फॉर्म वाला वही प्लांट के ऊपर जाए, इसलिए हमने इस टाइप की टैंक सारे मॉडल में इस्तेमाल की है। टैंक के ऊपर हमने वाटर ट्यूब लेवल दिए, एक फ्रंट साइड में दिए और एक साइड के साइड में दिए, ताकि आप ट्रैक्टर पे बैठकर भी टैंक में कितना पानी बचा है वो भी आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद इसमें हमने एक बास्केट मिक्सर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बास्केट मिक्सर है। जो भी आपका केमिकल पाउडर फॉर्म में होगा वो आपको इसमें डालना है, और यहाँ से क्या होगा कि एक वॉल को आपको ऑन करना है नीचे से, वहाँ से आपका जो है फोर्सफुली वाटर यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो भी सूखा केमिकल रहेगा वो डिजॉल्व करके अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमने स्प्रेयर में दो टाइप के एजिटेटर दिए हैं,
आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक एजिटेटर है और एक बैक साइड में एजिटेटर है। ये एजिटेटर का यूज़ क्या होता है कि आप जो भी केमिकल इसमें डालोगे तो केमिकल कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाता है या नीचे सेटल हो जाता है। तो ये एजिटेटर क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहते हैं अंदर, ताकि आपका केमिकल जो है वो कंटिन्यूसली मिक्सिंग हो सके। एजिटेटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि एजिटेटर अगर आपका कंटिन्यूस मिक्सिंग करते हैं तो आपका जो लिथल डोज जो होता है वो फर्स्ट प्लांट से लेके, मतलब पहले पेड़ से लेके लास्ट वाले पेड़ तक एक जैसा ही जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने और एक्स्ट्रा दो टैंक दी है। सारे मॉडल में एक्स्ट्रा दो अलग अलग टैंक रहेंगे, जिसको हम एक हैंड वॉश टैंक बोलते हैं और एक टैंक को हम रेंसिंग टैंक बोलते हैं। तो हैंड वॉश टैंक क्या होता है कि इसमें आप क्लीन वाटर फिलअप करके रख सकते हो, आप आपके हाथ धोने के लिए या अदर पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी टैंक होती है वो रेंसिंग टैंक होती है। तो हर एक रेंसिंग टैंक की जो कैपेसिटी है वो टैंक के कैपेसिटी या मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। ये जो हमारा 600 लीटर है, 600 लीटर में अभी हमने 70 लीटर की रेंसिंग टैंक दी है। वही अगर आप 1000 लीटर लेते हो तो उसमें भी 70 रहेगी, लेकिन अगर आप 1500 लीटर के टैंक की कैपेसिटी की बात करते हो तो वहाँ पे हमने 115 लीटर की रेंसिंग टैंक दी है और 2000 लीटर में हमने 145 लीटर की रेंसिंग टैंक दी हुई है। तो अभी हम बात करेंगे कि रेंसिंग टैंक का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो रेंसिंग टैंक आपको फिलअप करनी है, जैसे ही आपका एक स्प्रे ख़त्म हो जाता है आपको दूसरा स्प्रे करना है, तब आपको क्या करना पड़ता है कि टैंक को वॉश करना है या फिर पूरी तरह से नोजल में से, पंप में से या हाइड्रोलिक सर्किट में से आपका केमिकल को निकाल देना है। तब आप इस रेंसिंग टैंक में जितना पानी है उसका इस्तेमाल आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे सारे मॉडल की एयर कन्वेयर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेश लगी है, यहाँ से आपका सक्शन पॉइंट होगा। उसके बाद हमने सारे स्प्रेयर में 2 फॉरवर्ड और 1 न्यूट्रल गेयरबॉक्स दिया है, मतलब हाई, लो और न्यूट्रल, इस हिसाब से हमने उसको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गियर है अभी आपका लो के ऊपर है। जैसे मैं इसको मिडल साइड में करूँगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे मैं इसको नीचे करूँगा तो ये हाई गियर हो जाएगा। तो आपको हाई, लो और न्यूट्रल कब इस्तेमाल करना है, जब आपकी बगीचे में कैनोपी आपकी ज़्यादा रहेगी या फिर आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी जो हवा होगी या फिर एयर वेलोसिटी होगी वो अगर ज़्यादा रहेगी, आपका आप अंदर तक कवरेज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको अगर लगता है तब आपको हाई गियर पे इसको चलाना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके प्लॉट में नहीं होगी तो आपको लो गियर पे चलाना है। उसके बाद मान लीजिए आपका जो प्लॉट होगा वो फ्लावरिंग स्टेज में होगा, जैसे ही कुछ हवा लगती है तो आपका फ्लावर्स या फ्रूट जो है वो नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, उस टाइम को आपको इसको न्यूट्रल पे रखना है, ताकि आपके खाली नोजल में से पानी आएगा लेकिन हवा नहीं आएगी। या आप फ्लावरिंग स्टेज में यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको हैंडगन लगा के दूसरे क्रॉप को स्प्रे करना है तब भी आप इसको न्यूट्रल में रख सकते हो। अभी आप इसमें देख सकते हो कि हमने एक इनलेट वेंस दिए, या फिर आप इसको स्टडी फैन भी बोल सकते हो। इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो भी हवा सक होगी उसको इक्वल करके मेन फैन तक पहुंचाने का काम ये इनलेट वेंस करते हैं। इनलेट वेंस के पीछे आप देख सकते हो कि हमने मेन फैन लगाया है। ये मेन फैन घूमेगा, घूमने के बाद जो हवा डिलीवर करेगा वो पिछले साइड में यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये काउंटर फिन्स डाले हैं। तो काउंटर फिन्स का जो है वो फंक्शन क्या होता है कि काउंटर फिन्स आपके लेफ्ट और राइट की जो एयर वेलोसिटी होती है वह इक्वल करने का काम ये काउंटर फिन्स करती है। उसके बाद फैन जो होता है हमारा पूरे 360 डिग्री में घूमता रहता है, और कुछ हवा जो होती है वो नीचे भी डिलीवर होती है। जैसे हवा नीचे डिलीवर होगी, लेकिन हमने क्या किया है कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमने ऑफ रखा है। तो ऑफ रखने से क्या होता है कि अगर आपका डिफ्लेक्टर ये नीचे रहेगा तो आपकी जो हवा है वो वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि अंदर के साइड आप देख सकते हो कि हमने एक चेंबर बनाया है। उस चेंबर में से हवा हमने नीचे वाली जो है वो उसको बाईपास किया है, और बाईपास करके इस प्लेट में से ऊपर निकाला है, और जो हवा को हमने रिकवर किया है इसलिए इस प्लेट का नाम हमने रखा है रिकवरी प्लेट। ये जो हवा है आपके जो भी ऊंचे प्लॉट रहेंगे उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगी।
एरोटेक सीरीज में हमने दो टाइप के नोजल दिए हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नोजल है हमने दिए हुए है, इसमें 1.0 mm की डिक्स है एक साइड में, और दूसरे साइड में जो होती है वो ATR-60 की डिक्स होती है। तो ATR-60 जो होती है वो ग्रेप्स में ज़्यादा यूज़ होती है, PGR स्प्रे या डिपिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो रेगुलर डिक्स मैंने अभी जो आपको दिखाई, ये हमें रेगुलर स्प्रे के लिए यूज़ करनी है। जो भी मशीन ऑरेंज में, मैंगो में या अदर क्रॉप में यूज़ होंगे, वहाँ पे हमने 1.0, 1.2 या 0.8 की डिक्स देते हैं। तो हर एक क्रॉप के हिसाब से हम डिक्स या हर एक स्प्रेयर में प्रोवाइड करते हैं। एरोटेक सीरीज में हमने क्या किया है कि दो टाइप के फिल्ट्रेशन दिए। अभी आप ये देख रहे हो, इसको हम सक्शन फिल्टर कहते हैं। तो सक्शन फिल्टर का काम क्या होता है, जो भी टैंक में से पानी आएगा तो 50 मेश तक के जो भी पार्टिकल साइज रहेंगे उसको क्लीन करने का काम जो होता है वो सक्शन फिल्टर करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे नोजल फिल्टर या फिर लाइन फिल्टर डाले हुए। ये जो फिल्टर होते हैं ये नोजल से पहले आते हैं। तो यहाँ पे हम 80 मेश तक के पार्टिकल क्लीन करते हैं, मतलब जो भी आपके सक्शन फिल्टर में से छोटे वाले पार्टिकल छूट गए वो सारे यहाँ पे आके क्लीन हो जाते हैं। क्लीन होने की बात क्या होता है कि जो आपके नोजल की टिप होती है या फिर डिक्स होती है वो ब्लॉक या चॉकअप नहीं होती। हमने एरोटेक सीरीज में 3-way एडजस्टेबल टायर्स दिए हैं। हर एक मॉडल की कैपेसिटी के हिसाब से टायर साइज अलग रहेगी, लेकिन हमने सारे मॉडल में 3-way एडजस्टेबल ही दिए हैं। 3-way एडजस्टेबल मतलब क्या होता है कि आप इसको आगे पीछे, अंदर बाहर और ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप आगे पीछे करते हो तो आपकी जो टर्निंग रेडियस है वो कम ज़्यादा इससे होगी। उसके बाद आप इसको अंदर बाहर जैसे ही करोगे तो आपकी जो ट्रैक विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो ऊपर नीचे जैसे ही होगा, मतलब आपका जो पीछे वाले नोजल रहेंगे या फिर जो असेंबली रहेगी उसकी हाइट आपके हिसाब से कम ज़्यादा होगी। उसके बाद टायर के पीछे हमने स्क्रैपर दिए हैं। ये स्क्रैपर का यूज जो होता है वो कीचड़ निकालने के लिए होता है, और ये भी हमने एडजस्टेबल रखी है, मतलब आपका सॉइल टाइप जिस तरह से होगा उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। इसमें हमने टैंक में से पानी निकालने के लिए ये ड्रेन वॉल दिया है। अभी हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। हमने सारे एरोटेक सीरीज में सेम टाइप का कंट्रोल पैनल दिया है। उसके बाद हमने इसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे प्रेशर गेज मीटर दिया है, उसके बाद ये कंट्रोल लीवर है और ये प्रेशर नॉब है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंटर दिया है। पॉइंटर का काम क्या होता है कि आपको कंट्रोल जो है कंट्रोलर को इंडिकेशन करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाईपास मोड की या फिर आर मोड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी आर मोड पे रखा है, इसको हम बाईपास मोड बोलते हैं। तो बाईपास मोड का फंक्शन क्या होता है कि आपका जो भी पानी पंप की तरफ से आएगा कंट्रोल पैनल तक, वो कंट्रोल पैनल तक आएगा और वापस से रिटर्न वाले नॉब से वापस चला जाएगा। ताकि क्या होगा कि आपके जो भी हाइड्रोलिक सर्किट में एयर फिलअप होगा वो एयर निकल जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो मोड होता है वो सी टाइप का मोड होता है, या फिर हम इसको प्रेशराइज मोड बोलते हैं। तो प्रेशराइज मोड में क्या हो जाएगा कि पूरे असेंबली में आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपका जो है प्रेशर गेज रीडिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे आप प्रेशर नॉब को टाइट करोगे तो आपका जो है रीडिंग बढ़ जाएगा, जैसे आप प्रेशर नॉब को लूज़ करोगे तो आपका जो है प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम ज़्यादा करने से आपका पानी का जो है पर एकड़ वाला कैलकुलेशन वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ये बोथ साइड मोड पे। तो बोथ साइड मोड पे क्या होगा कि दोनों साइड के जो नोजल है वो आपके ऑन रहेंगे। उसके बाद अगर आप इस लीवर को इस हिसाब से रखते हो वन साइड में, मतलब ये आपका लेफ्ट साइड मोड हो गया, तो लेफ्ट साइड मोड में क्या होगा कि लेफ्ट साइड वाले नोजल ऑन रहेंगे, राइट वाले नोजल जो है आपके ऑफ रहेंगे। सेम तरह से आपका जो होगा वो राइट साइड का भी मोड होगा, मतलब राइट साइड ऑन और लेफ्ट साइड ऑफ। हमने हाइड्रोलिक कनेक्शन के लिए 180 बार वाले होज पाइप दिए ताकि आपका जो भी पानी सर्कुलेट हो या फिर टूटने के जो चांसेस है वो बहुत कम किए हैं। हमने एरोटेक सीरीज में हॉट डिप गैलोनाइज की चेसी दी है और उसके ऊपर हमने पाउडर कोटिंग की है ताकि आपकी जो चेसी है वो सालों साल अच्छी तरह से चल सके।
हमने सारे एरोटेक सीरीज में ये रियर बम्पर दिया है सेफ्टी पर्पस के लिए।